रुद्रपुर में अब महिला समूह को फील्ड में भेजा जाएगा। वसूले गए यूजर्स चार्जेस में से जो है 2500% की धनराशि महिला समूह को दी जाएगी। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें, डीएम युगल किशोर पंत और रुद्रपुर नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी विशाल मिश्रा सहित मेयर रामपाल सिंह ने परिचय पत्र वितरित किया। इस दौरान मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि महिला समूह के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सरकार और नगर निगम की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही स्वावलंबी भारत के तहत नारी शक्ति सेना के द्वारा यूजर चार्जेस और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के शुल्क को वसूलने का भी काम किया जाएगा। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ जो डोर टू डोर कलेक्शन होता है, तो डोर टू डोर कलेक्शन पहले हमारे अपने कर्मचारी करते थे या जो डोर टू डोर का टेंडर होता था वो लोग करते थे। इस बार हमने इस पैटर्न को चेंज किया है, क्योंकि जो स्वावलंबी भारत है उसके तहत हमारे जो महिला सहायता समूह हैं उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। और महिला सहायता समूह के माध्यम से अब जो यूजर चार्ज है, जो हर घर से कूड़ा कलेक्शन का चार्ज लिया जाता था, वो अब हमारी जो महिला शक्ति है, और इसमें हम लोगों ने इसको नारी शक्ति सेना का नाम दिया है, ये हमारी जो समूह की बहनें हैं ये उसका कलेक्शन करेंगी, और जो भी टोटल कलेक्ट करेंगी उसका 25% हम उनको बतौर मेहनताना हम लोग दें।